तो लोग आते थे पहले यहाँ पे? पहले समय में मैं अपने इंडियन लोग कोई नहीं था। इंडियन नहीं आते थे, विदेशी आते थे सब? सब विदेशी। तो कुलधरा में हम लोग पहुंच गए हैं। ये पीछे में बोर्ड देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है और अब काफ़ी लोग यहाँ पे आने लगे हैं। पहले कम लोग आते थे, जैसे कि हमने बात की अभी एक बाबा जी यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि काफ़ी लोग आने लगे हैं और ये 30 साल से लगभग यहीं बैठते हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है यहाँ पर। और फिलहाल भी अभी बच्चा पांडे नाम की पिक्चर है जो आने वाली है अक्षय कुमार की, कृति सेनन भी है उसमें शायद साथ में, तो उसकी भी शूटिंग अभी जस्ट यहाँ पर चल रही थी। तो चलते हैं अब सीधा अंदर में और देखते हैं अंदर में क्या क्या है। ये ऐसे चुरियासी विलेज है, ये सबसे बड़ा गांव था, इसका नाम है कुलधरा गांव है कुलधरा। इसको एम्प्टी विलेज बोलते हैं, घोस्ट विलेज इसलिए बोलते हैं, जो 80-90 साल के जो बुज़ुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए, उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर जेट डालकर यहीं मर गए थे। और इनमें से जो आपने देखा होगा मंदिर है, जब मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, मूर्ति जब गांव खाली हुआ ना तो गांव वाले मूर्ति साथ में ले गए। बताते हैं इनके पालीवाल गांव था, इनका सिंध प्रांगत था, सेवा पूजा का काम था, बहुत खूबसूरत लेडियाँ थी इनकी। शालिम सिंह एक अत्याचारी आदमी था, उसका नाम था जालिम सिंह, वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसलमेर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो था। वो इस औरतों को उठा के लेके जाता था, सच गाँव की औरतों को उठा के ले जाता था बताते हैं। और एक घंटे बाद इसको एक लेडी चाहिए थी, राक्षस पर्वती का आदमी था ये, इस गांव की मुखिया की लड़की पसंद आ जाती है 1815 के अंदर, इसलिए वो गांव खाली हुआ। शादी नहीं कर देने कारण ये गांव रातों रात 1815 के अंदर गांव यहां से पाली कर पलायन करके गए और पाली गांव बसाए इन्होंने। तो ये गांव पूरा चुरियासी गांव रातों रात खाली हुआ सालिम सिंह दीवान के कारण। ये इनका जो है पानी का है तालाब है, जब कुएँ है इसके अंदर, जब पानी कुएँ के अंदर नहीं आता था, बारिश का पानी अगर होता तो पानी तालाब से लेते थे, नहीं तो कुएँ का पानी पीते थे। इनके शमशान घाट भी बने हुए और ये गेट जो है बाद में गवर्नमेंट ने बनाया, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है, और पूरे काउडंग किया हुआ था मकानों के अंदर, काउडंग होता है गोबर नीप के बनाता है, और ऊपर लकड़ियाँ जो थी वो गांव वाले लेके गए। बताते इस गांव में कोई कोई भी कोई चीज़ ले जा नहीं सकता है, जो भी लेके जाता है उसकी बीमारी हो जाती है, वापस ला के डल जाते हैं। तो ये थी कुलधरा गांव की कहानी हमारे गाइड साहब की ज़बानी। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो लोग यहाँ पे रहते थे उनका पलायन करने के जो मेन जो अहम कारण थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला था जालिम सिंह के जो अत्याचार थे वो बहुत बढ़ते जा रहे थे यहाँ पर, और दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर जो पानी था उसकी बहुत किल्लत थी, पानी बहुत कम रह गया था यहाँ पे ना के बराबर, और पानी के बिना आपको पता है इंसान ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रह सकता है। और तीसरा कारण था यहाँ पे जो भूकंप आया था उसकी वजह से भी लोगों ने यहाँ से पलायन किया। तो ये थी बात इस गांव की कहानी की। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी जो है हिंदी पिक्चर्स की, हिंदी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है, जिसमें से कुछ मूवीज़ का नाम है एजेंट विनोद, कच्चे धागे, कालो, और अब जो है बच्चा पांडे नाम की भी जो पिक्चर है उसकी भी यहाँ पे शूटिंग हुई है कुछ टाइम पहले ही। और अब मैं आपको एक बाबा जी से यहाँ पे मिला देता हूँ। ये कुलधरा का जो गेट मैंने आपको दिखाया था उसके बाहर ही काफ़ी सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनको आपने कच्चे धागे मूवी में भी देखा होगा। मेरा नाम सुमार राव है जी। पिक्चर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे? बहुत हुए जी शूटिंग, बहुत हुए, कच्चे धागे, रुद्राली, अमेरिका, करिश्मा, शक्ति, आपको भी ले लिया था पिक्चर में, अकबर जोधा, लेकिन सबके लिए अंदर नहीं थे। अच्छा, अच्छा। एक दो किस में आ गए थे आप, किस में? मैं कच्चे धागे में। अच्छा जी। और उसमें कालों में भी? कालों में नहीं था। अच्छा अच्छा, झूठ नहीं होगा मेरे। नहीं सही है। आप कहाँ से? हम आगरा से। आगरा से आए आगरा कभी आप? नहीं आए जी। अच्छा अच्छा, इधर ही रहते हैं आप? ऐसे तो हमारा फोटो आगरे में भी है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो जाने बोलो शंकर में तो पेड़ के नीचे पड़े हुए, फोटो आपके पास पड़ा है, आज आपके दर्शन में जी। 30 साल से ये रोड़ा वगैरह, ये गेट वगैरह सब बात में बने। 20 साल पहले? 20 साल से आप हो? 30 साल से हो यहाँ जी? मैंने गाँव में। ये सब रोड वगैरह कब बनाए यहाँ पर? ये सब अभी ये मालूम नहीं, मैं करीब इसको हो गया 17-18 साल।
17-18 साल हो गए यहाँ पर। नवा है। अच्छा, ये गेट वगैरह नवा है। पहले गांव यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर गांव आगे है, कुलधरा गांव जो है। तो लोग आते थे पहले यहाँ पे? पहले समय में मैं अपने इंडियन लोग कोई नहीं था। इंडियन नहीं आते थे, विदेशी आते थे सब? हाँ, सब विदेशी लोग इतने आते थे कुलधर के अंदर। तो उसको साइट नहीं मिलता था, वो अपना कैंप ही कहाँ लगाए। नमस्ते जी। नमस्ते कर दो। नमस्ते कर दी। अच्छा, देखो अब तो पूरा ग्रुप ग्रुप भी आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं अब तो, है ना? अभी अपने इंडियन लोग आते हैं। इंडियन लोग आते हैं काफ़ी लोग नहीं है। हाँ हाँ, इंडियन लोग आते हैं। कल भी फिल्म थी जी। कल फिल्म हुई थी शूटिंग? वो कल अक्षय कुमार था ना, वो अक्षय कुमार, अक्षय कुमार जी, वो एक दिन का उसका कमीशनर परमिशन लेके आए थे एक दिन, एक दिन का। अच्छा अच्छा, यहाँ से नहीं लेते, वो जयपुर से लेके आए। अच्छा, जयपुर से परमिशन लेके आए थे, वहाँ मिलते हैं। तो ये था कुलधरा गांव। और अगर आप भी जैसलमेर से जो है सम ड्यून्स की तरफ जा रहे हैं तो ये रास्ते में थोड़ा सा ऑफ द रूट पड़ता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 3-4 किलोमीटर अंदर है ये। और अगर आपको भी ऐसी जगह जाने का मन है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगा जो सम ड्यून्स में हमने डेजर्ट सफारी करी थी और हमने जो डेजर्ट कैंपिंग वहाँ पर करी थी वो मैं आपको दिखाऊँगा।